सो हेलो एंड गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं हूं उमेश और आप देख रहे हो उमेश जोशी के व्लॉग्स। सो गाइस, आज है सोमवार और आज 10 तारीख है। तो आज बारिश नहीं है, एकदम बढ़िया मौसम है, आराम से। धुंध पर बहुत ज़्यादा उड़ के है, देखिए गाइस, आप देख सकते हैं चारों तरफ धुंध ही धुंध है। और कल बारिश के मौसम के बाद सारी जगह पानी पानी भरा हुआ है। कल तो कम भरा था, आज ज़्यादा भर गया, बहुत ज़्यादा। तो अभी आज मेरी तबीयत भी ठीक है, कल के हिसाब से बहुत ज़्यादा ठीक है। तो आज शायद मैं ट्यूशन भी जाऊंगा, वैसे कोशिश करूंगा अपनी तरफ से पूरी जाने की। और आज 2 दिन से मैंने अच्छी तरह खाना भी नहीं खाया था, तो इसलिए अभी मैं मैगी बनवाई है, तो अभी मैगी खाएंगे। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी भरा हुआ है। ये देखिए गाइस, ये तो कल भी इतना ही था, पर कल इससे थोड़ा कम था। ये देखिए गाइस, ये यहाँ तक भर गया पानी पूरा। मैं आपसे भी दिखाता हूँ आपको सामने से, सामने वाला रास्ता भी गाइस पूरा पानी से भर चुका है। अभी मैं मंदिर गया था तो भी मेरे चप्पल वगैरह डूब रहे थे। एक बार नीचे जाके दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए गाइस, यहाँ पे तो सूखा सूखा है और इधर भी पानी भरा हुआ है, तो इसमें ये पंछी उड़ रहे हैं। और धुंध देखिए गाइस कितनी हो रही है, दिख नहीं रहा सामने वाला घर अच्छी तरह से। और भैया की एक्टिवा स्टार्ट नहीं हो रही। ये देखिए गाइस, इधर साइड कितनी ज़्यादा धुंध है, और यहाँ से लेके पानी पूरा भरा हुआ है, जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। तो मेरे को ट्यूशन भी यहाँ से जाना पड़ेगा बच बचा के। तो चलिए गाइस, चलते हैं अंदर। दिन से मैंने अच्छी तरह से व्लॉग नहीं बनाया था, छोटी छोटी सी वीडियोज़ बनाई थी, तो उतनी अच्छी खास नहीं थी, मैं खुद ही मानता हूँ। पर मेरे 2 दिन मिस हो जाते, इसलिए मैंने छोटी छोटी वीडियोस अपलोड कर दी थी। तो आज मैं कोशिश करूँगा एक अच्छा सा व्लॉग बनाने की। तो पहले अंदर चलते हैं और मैगी खाते हैं और फिर ट्यूशन की ओर चलते हैं। सो गाइस, हमारी मैगी तैयार है और अभी से खाते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर। ट्यूशन जाने का प्लान कैंसिल हो गया, घर वाले मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि फिर वो काम चल जाएगा, ठंड हो रही है। तो इसलिए पहले ये देखिए गाइस, कितने बड़े बड़े बाल हो रहे हैं। तो अभी बाल कटवा के आते हैं और सीधा मिलते हैं। सो गाइस, मैंने बाल कटवा लिए हैं और ये देखिए, ये मैं स्टाइल है। तो मैंने सिंपल ही कटवा रखे हैं बाल, और बहुत बड़े हो गए थे, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कटवा लेते हैं। ट्यूशन जाने का प्लान कैंसिल हो गया था, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, ट्यूशन नहीं जा रहे तो बाल ही कटवा लेते हैं। और फिर अभी 1 बज चुका है और अभी थोड़ी देर पढ़ाई वगैरह करनी है, वो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। सो गाइस, अब बज चुके हैं शाम के 5 और बच्चे वगैरह ट्यूशन आके जा चुके हैं और मैं भी अब आराम से फ्री हो चुका हूँ। और अभी आज मैं, जैसे आपको पता ही है, मैं ट्यूशन गया नहीं था और फिर बाल कटवाने गया था, तो अभी ठंड लग रही है इसलिए टोपी में उतार रहा नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे। और फिर अभी मेरे को बहुत लेट में पता देर में पता चल था मतलब पता चल गया था 12-1 बजे याद आया था कि आज हिंदी दिवस है। मैं तो भूल ही गया था कि आज हिंदी दिवस भी है, इतना बड़ा दिन मैं भूल गया था। गाइज, मैं आपको कहूँगा कि अपने देश की भाषा का सम्मान करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हिंदी बोलें, हिंदी का यूज़ करें ज़्यादा ज़्यादा जगहों पर। हम जैसे लोगों की वजह से ही जिन्होंने हिंदी को पीछे छोड़ दिया कि इंग्लिश जो बोल सकते हैं वही बस महान है, उन्हीं को पढ़ना लिखना आता है, बाकी सब गवा रहे, ये सोच सोच के हमने हिंदी को बहुत पीछे छोड़ दिया। पर हिंदी ही इस संसार में सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज है, उससे ज़्यादा मतलब संस्कृत है, उसके बाद हिंदी है जो सबको इज्जत दे के बात करती है, बाकी सब किसी इंग्लिश में तो बिल्कुल है ही नहीं इज्जत, बाकी लैंग्वेजेस का मैं कह नहीं सकता जिनका मुझे पता नहीं, पर इंग्लिश में इज्जत दे के नहीं बात करते ज़्यादातर किसी से। तो मैं आपसे कहूँगा हिंदी बोलें और हिंदी को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाएँ, अपने घर में हिंदी बोलें, और मेरी तरफ़ से आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। सो गाइस, अभी मैं बाहर घूमने जा तो रहा नहीं हूँ कि पानी पानी तो इतना, और क्या, तो जाऊंगा कहाँ, छत पे घूम रहा हूँ तब से कब से मैं, और आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये देखिए गाइस, सूरज भी ढलने को है। तो मैं ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, गाइस ये पेड़ भी कितना शांत खड़ा है, एकदम बिल्कुल हवा नहीं चल रही, एकदम स्टिल है। और अभी सूरज ढला भी नहीं और चांद पहले ही आ गया, तो अभी मौसम, हवा चल रही नहीं है तो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लग रहा, पर ये है कि गर्मी नहीं हो रही है और ज़्यादा ठंड भी नहीं हो रही, पर उतना ख़ास भी नहीं है। पंछी देखिए गाइस, छोटे छोटे दिख रहे ही नहीं है, इतने कम है। गाइस, मैं अब इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता, और आज के व्लॉग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, हिंदी को आगे बढ़ाएं
सफाई करें और कोविड की वैक्सीन लगवाएं, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। सो बाय बाय।